नंदनवन पुलिस की टीम ने दो ऐसे एटीएम चोरों को गिरफ्तार किया जिनका चोरी करने का तरीका बाकी चोरों से हटके है। वो कैसे, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में। अभी तक आपने चोरों के कई किस्से पढ़े होंगे या सुने होंगे। सभी के सामने एक मजबूरी या गरीबी, ये दो पता है। हमेशा चोर चोरी करने के लिए एक साइकिल, मोटरसाइकिल या पैदल जाकर चोरी करते हैं, मगर आज हम एक ऐसे चोरों के बारे में बताएंगे चोरी करने का तरीका किसी फिल्म के कहानी से कम नहीं। इतना ही नहीं, चोर उच्च शिक्षित और साइबर की जानकारी वाले हैं। जी हाँ, शातिर चोरों को शहर के नंदनवन पुलिस थाने की टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने हरियाणा निवासी आसिफ खान, जुमना खान और शहादत वाली खान, मोहम्मद नामक इन दो चोरों को एटीएम से पैसे चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। एटीएम चोरी का मामला देख आप कहोगे कि ये तो होता ही है। जी हाँ, मगर एटीएम से पैसे चुराने का तरीका इन दोनों का बाकी चोरों से अलग है और पैसों वाला है। ये दोनों चोरी करने के लिए हरियाणा से नागपुर प्लेन से आए। इतना ही नहीं, शहर में रहने के लिए महंगा मकान किराए पर लिया। ये चोर इतने शातिर है कि उनका टारगेट कोई भी एक ही बैंक होती है। इसी बैंक के शहर के विविध एटीएम मशीन से वे पैसे चुराते हैं, वो भी इतने सफाई से कि इसके भनक बैंकों को भी नहीं लगती। साथ ही ये पैसे किसी एक व्यक्ति के अकाउंट से नहीं तो सीधा बैंक के अकाउंट से ही मैनेज होते हैं। चोरों की करामत सामने तब आई जब बेलतरोड़ी निवासी दीनानाथ पाटिल, इन्होंने नंदनवन थाना में शिकायत दर्ज कराई। उनके बैंक के मुख्य कार्यालय से जानकारी मिली कि उनके अकाउंट से कुछ पैसे निकाले गए। शिकायत पर पुलिस ने टीम ट्रांजैक्शन का समय देखा, सीसीटीवी फुटेज चेक किया। इस फुटेज में दो व्यक्ति चाबी से एटीएम का दरवाजा खोल रहे थे और अपने पास का एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर पैसे निकालते दिखाई दिए। ये पहले हमने बताया है कि बैंक में मेन बैलेंस से जाता था, इससे ये चोर कितने उच्च शिक्षित है इसका पता चलता है। चोरों ने एटीएम से कुल 1,23,500 रुपये चुरा लिए। ये जानकारी मिलते पुलिस और जोन 4 के उपायुक्त विवेक मासाल की टीम ने वहां एटीएम के सामने जाल बिछाया और आखिरकार ये दोनों चोर जाल में फंस गए। इस तरह से ये दो आरोपी फ्रॉड करते थे। जिस तरह से एटीएम में जाते थे, कई एटीएम से बिना ट्रांजैक्शन का पता किए एटीएम को हैक करके ये पैसे वहां से उड़ाते थे। ऐसा कारनामा इन्होंने नागपुर समेत पूरे देश में करने की आशंका नंदनवन पुलिस ने जताई है। ये कार्रवाई नंदनवन पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे यहाँ हो सकते हैं। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर उनसे 5 लाख से भी ज्यादा की रकम हस्तगत की है। साथ ही 22 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल, 1 दुपहिया वाहन, एटीएम खोलने की चाबी भी जब्त की है। चोरों ने अपने बाकी गुनाह भी कबूल किए हैं। एटीएम फ्रॉड करणारे हे दोन आरोपी आम्ही पकडलेले आहेत। काही दिवसापूर्वी नंदनवन पोलीस ठाणे हद्दीतील एका बँकेचे एटीएम मधून पैसे गेल्याचे कंप्लेंट आमच्याकडे आली होती आणि त्यामध्ये ते ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते रेकॉर्ड झालेलं नव्हतं। मग आम्ही ती कंप्लेंट मागच्या वीकमध्ये रजिस्टर केली। केस रजिस्टर केल्यानंतर त्याची इन्व्हेस्टिगेशन ज्यावेळेस करत होतो त्यावेळेस आमचं असं लक्षात आलं की 2 संशयित इसम हे बँक एटीएम मध्ये जाऊन एटीएमच्या जी कव्हर आहे ते चावीने खोलून ट्रान्झॅक्शन करताना ट्रान्झॅक्शन ओके झाल्यानंतर त्या कव्हरमधून हात टाकून त्यामध्ये स्विचचा वापर करायचे आणि जेणेकरून ते ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड होत नव्हतं आणि त्या लक्षात आल्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणी आणि आजूबाजूच्या परिसरात निगराणी केली आणि गेली 2 दिवसापूर्वी आम्हाला 2 संशयित मिळाले। त्या संशयितकडे सक्त चौकशी केल्यानंतर त्यांनी हे केल्याचं कबूल केलेलं आहे आणि त्यांच्याकडून आम्ही जवळजवळ 5.5 लाखाचे ऐवज जप्त केलेलं आहे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ अभिषेक पांड्र की रिपोर्ट IBCL न्यूज़ नागपुर।